श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पे रोज़ जल चढ़ाते हैं तो आपको कई समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और आप पितृ दोष तो समाप्त होते ही हैं और आपके जो जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं तो रोज़ अगर आप जल चढ़ाते हैं तो उनसे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप सोमवार को जल चढ़ाती हैं तो शीतलता मिलती है, यानी आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं आपसी तो वो समाप्त हो जाते हैं। और अगर आप मंगलवार को जल चढ़ाते हैं तो व्यापार में उन्नति होगी, आपकी दिन प्रतिदिन आप उन्नति करेंगे, लक्ष्मी का आगमन होगा। और अगर आप बुधवार को जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे तो विवाह की जो समस्या है आप जो झेल रहे हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा, शीघ्र विवाह संपन्न हो करा देगा। गुरुवार को आप अगर जल चढ़ाते हैं तो उससे आपके बच्चे बहुत होशियार होंगे, तेज होंगे पढ़ने में, बुरी संगत में नहीं पड़ेंगे। और अगर आप शुक्रवार को जल चढ़ाते हैं तो शुक्रवार के दिन जल चढ़ाने वाली महिलाओं का सौभाग्य अखंड होता है, उनके पति की लंबी आयु होती है। और शनिवार के दिन अगर जल चढ़ाते हैं तो शनिदेव अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा करते हैं, तो आज के जीवन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अचानक कुछ हो गया, कोई बीमार हो, जल्दी हो के अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आज के जीवन में ये बहुत ही आवश्यक है कि आप ये जो शनिवार को जल चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और अगर आप रविवार के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो उससे आपकी धनवान बनेंगे, लक्ष्मी की आपके ऊपर अपार कृपा रहेगी, सुख समृद्धि आपके पास होगी। तो ये सातों दिन के अगुवाई आपको बताए हैं, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन समझ के आपको बताए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।